भोपाल में ईद का खुशनुमा माहौल रहा था, जहां चारों तरफ सभी धर्म के लोग एक दूसरे को ईद के पावन पर्व की मुबारकबाद देते रहे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के भावी नेता पीरजादा तौकीर निजामी। जी जनाब, जैसा कि आज ईद का पावन त्यौहार है और संपूर्ण विश्व में हमारे देश में भी पर्व को मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों के चैनल के माध्यम से आपके जितने भी पूरे मध्य प्रदेश से लेकर जहां भी लोग हैं, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मध्य प्रदेश और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि हमारे अकायद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद, उनकी तरफ से भी पूरे देशवासियों को आप लोगों के माध्यम से मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। काफी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है त्यौहार, ईद का पहले सुबह नमाज अदा की गई और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, क्या संदेश रहेगा इस पावन अवसर पर? देखिए, ईद का जो भी त्यौहार आते हैं, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि त्यौहार हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आपस में एक भाईचारा देश में हमको कैसे मनाना है, एक दूसरे को गले कैसे लगाना है, एक दूसरे के साथ कैसे चलना है, इन सब के लिए आया है। और आगे मुझे लगता है कि देश भारत हमारा वैसे भी सारे धर्मों का देश है, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं, रोज अलग अलग मजहब के लोगों के त्यौहार होते हैं, अच्छा लगता है एक दूसरे के घरों में हम लोग जाते हैं। आज हम लोगों के यहाँ भी लोग अगर सेवैया मिठाइयाँ खाने आ रहे हैं तो हम लोग भी उनके यहाँ दीपावली या कोई अन्य त्योहारों में भी हम पहुँचते हैं। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, MIM की क्या, किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या भूमिका होने वाली है, कितनी विधानसभा सीटों से हमारे कैंडिडेट अब तक सक्रिय रूप से हो चुके हैं? देखिए, अभी तक लगभग जो टारगेट बनाया गया है वो बनाया गया है मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया कांग्रेस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग 50 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बड़ी दमखम के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन उसमें से अभी हमने 33 सीटों पे सर्वे कराया हुआ है, जो 33 सीटें हमारी सर्वे हुई है उनके सर्वे के आधार पर ये पूरा आंकड़ा है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा आप सारे के सारे, इस टाइप से सारे ये सारा सर्वे करा चुके हैं। ये टोटल ये आप मान लीजिए 33 सीटें हैं जिसमें पे अभी भी 15 सीट पर कांग्रेस है और 18 सीट पर भाजपा है। ये सीटें हम लोगों ने अभी चिन्हित की है और आगे चल के हम देख रहे हैं कि अगर दूसरे, जैसे दूसरे दल के लोग भी हमारे उसमें है संपर्क में, और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आने वाले कल में अगर वो लोग हमारी पार्टी हमारे दल में आते हैं तो हम उनका स्वागत।